जो लोग कहीं आ जाए अखबार में लिख देते हैं, कोई मीडिया में खड़े होकर के बोल देते हैं कि लोकदल का किस तो खत्म हो जाएगा, लोकदल खत्म हो जाएगी, लोकदल में चंद लोग रह जाएंगे, उन लोगों के लिए एक सबक होगा ये रैली। उनको अपने औकात का पता लग जाएगा इस रैली से कि तुम कहां खड़े हो। कांग्रेस के लोगों ने एक दफा पहले भी चौटाला साहब को जेल भेज करके ये संदेश प्रदेश में देने की कोशिश करी थी कि इंडियन नेशनल लोकदल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिन कांग्रेस के लोगों ने हमें खत्म करने की प्रयास किए, उन लोगों को धरातल पे ला करके बैठा दिया और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इस ऊंचाई पे ले जाके खड़ा कर दिया कि हर आदमी की जबान पे एक बात आ गई थी कि अगली सरकार चौटाला साहब की बनेगी। इस रैली के बाद फिर वही चीज सामने उभर करके आ जाएगी, आम आदमी की जबान पे बात आएगी कि अगली सरकार 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रदेश में बनेगी। हमारा संपर्क जनता के साथ रहता है, हमने बसपा से गठबंधन तोड़ा नहीं, बसपा सदन बैकफुट पे गई। क्यों गई इसका जवाब आज तक बसपा के नेताओं के पास नहीं है, ना उन्होंने मीडिया में कहीं खड़े होकर के बोल करके ये बात बताई कि हम क्यों गठबंधन से अलग हुए। गठबंधन का मतलब कोई जीत का भाई इलेक्शन नहीं था, गठबंधन का मतलब लोकसभा विधानसभा के चुनाव थे। इस बात का जवाब आपको वहीं से मिल सकता है, हमने अपना धर्म निभाया। सर, दुष्यंत चौटाला का बयान आया था कि इनेलो का विलय होने जा रहा है बीजेपी में। बच्चे बचकानी बातें करेंगे, बचकानी हरकत करेंगे, ये बचकानी हरकत नहीं थी तो और क्या था। सारा दिन केवल और केवल झूठ बोलने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं है। नाम भी तो जमा झूठी पार्टी रख रखा है और उस पार्टी में ऐसे ऐसे बेडोले लोग हैं जिनको घरवाले भी रोटी नहीं देते। टाइम निधि योजना शुरू की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के नजदीक सबको किसान याद आता है, अगर किसान के हितैषी थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए थी, फसल के लागत मूल्य से 50% बढ़ा करके देना चाहिए था, जो वायदे किए थे, जो प्रॉमिस किए थे वो पूरे करने चाहिए थे। अब तो केवल इसलिए ये बातें कही जा रही है कि किसी तरह किसान के वोट को फिर प्रभावित करें, लेकिन अब की बार पूरे देश में जिस तरह से किसान आंदोलन चले उससे लगता नहीं है कि इस देश के किसान को कोई बर्दाश्त कर रहा। अब पढ़ा लिखा किसान हो गया, पहले किसान बोड़ा था, अनपढ़ था, स्कूल कॉलेज नहीं जाता था, लेकिन अब हर एक का बच्चा स्कूल और कॉलेज में पढ़ करके शिक्षित हो चुका है। जब किसान शिक्षित हो जाएगा तो फिर उसका शोषण नहीं हो सकेगा। बजट तो हर साल ही ये मान के चलो कोई भी सरकार पेश करती है तो कहती है हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बजट पास होने के बाद अगले दिन टैक्स की भरमार शुरू हो जाती है। बजट तो गोलमाल होता है, अर्थशास्त्री भी बजट को अपने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से उसको पेश करवाते हैं, अलग अलग तरीके से उसको पढ़ने का काम करते हैं। कल बजट आएगा, उसमें देखेंगे बजट के अंदर किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा सरकार की तरफ से रखा गया है। कोई हेल्थ के अंदर बजट बढ़ा, स्कूलों में बढ़ाया, कोई आप इरीगेशन में बढ़ा, कोई पब्लिक हेल्थ में बढ़ा, जो आम लोगों की मूलभूत सुख सुविधाएं हैं उनके लिए सरकार बजट में क्या प्रावधान करती है, कितना बढ़ाती है, कितना उसमें लोगों को लाभ मिल सकता है, कितने नए हॉस्पिटल कॉलेज बन रहे हैं, कितने कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें बजट आने के बाद देख के बताएंगे कि बजट कैसा है। मुझे लगता नहीं जैसा पहले बजट आता रहा उसी तरह का बजट हम आएगा। अब किसान को लुभाने के लिए बजट में कोई दो चार नई बातें लिख देंगे, जैसे महामहिम से जो प्रस्ताव पढ़ाया जाता है उसी तरह से बजट आएगा।